क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 23। सॉल्व 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 1 कॉमा फिर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 1 बाई 3। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। तो इसकी जो एलसीएम होगी वो एक्स प्लस 1 और इंटू 2, और फिर इसे हम एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 3 टू जा 6, और उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1 होगा। सो इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 1। अब हम डिनोमीटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x प्लस 2 होगा, और इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी, और 2 अपॉन 3x माइनस 1। सो इस इम्प्लाइज दैट 6 में 1 लेस करने से ये 5 माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 1। इसके बाद आप इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस एक्स और ये 3x माइनस 1, और राइट साइड में 2 इंटू 2x प्लस 2। सो इस इम्प्लाइज दैट अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से पहले आप 3x को करो, फिर 1 से, तो ये 5 3 जो 15x माइनस 5, उसी तरह से x से 3x को करना है तो ये होगा माइनस 3x स्क्वायर, और फिर इसको अगर आप 1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस x, सो इज इक्वल टू 4x प्लस 4। सो इम्प्लाइज दैट सबसे हायर डिग्री क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, और 15x में x ऐड कर देंगे तो ये 16x माइनस 5, और ये दोनों पार्ट को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो ये 4x माइनस 4 सो इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 3x स्क्वायर, 16 में अगर हम 4 लेस करेंगे तो ये 12x और 5 4 9, सो इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो कॉमन इसमें क्या है, तो माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 4 3 12 और प्लस 3 3 9, सो इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट इस माइनस 3 को राइट साइड भेज देंगे तो 0 को माइनस 3 से डिवाइड करने से वो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा। इसके बाद इस 3 का फैक्टर निकालना है, तो ये 3 का टेबल में 3 1 जा 3, लाना क्या है माइनस 4, तो 3 और 1 इन दोनों को अगर हम माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस 4 आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट टू पार्ट में कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है x, तो ये x माइनस 3 हो गया, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो हम उसमें 1 लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये x माइनस 3 कॉमन है, तो फर्स्ट पार्ट से x बचेगा और सेकंड में से 1, सो इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, सो देयर फॉर x इक्वल टू 1 और 3, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।